भजनपुरा चौक पर जो तबाही का मंजर था उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अब तक भुगतने पड़ रहे हैं। दो तीन शोरूम हैं यहाँ बाइकों के और स्कूटी के, वो लगातार जला दिए गए थे। और उसके बाद देखें, ये कुछ मैं इन शोरूमों की डिटेल आपको बताऊंगा। ट्रू 22 के नाम से था, एक और सुजुकी का शोरूम था। ये भाई साहब स्कूटी लेके निकल रहे हैं, और क्या वजह है, कुछ सामान तो बच गया। कहाँ जा रहे भाई साहब? सर जा रहे हैं इंदिरा। खाली कर रहे हो क्या इसे? हाँ खाली कर रहे हो इसे। खाली कर रहे हैं भाई साहब, बताइए क्या ये मतलब? अभी तो इसमें कुछ स्कूटी बची हुई है कुछ? एक्चुअली क्या है, अभी इतना डर का माहौल है एरिया में, तो हमको लग हमारा मतलब बाइक्स वगैरह सेफ नहीं लगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट कर जाए। क्या पता, अब देख सकते हैं ना, पुलिस से ना इधर आर्मी वगैरह वाले हैं, क्या पता आ जा के उधर भी इसको भी आग लगा दे। फिर हम है कि आपकी स्कूटी बची हुई है ये अंदर है, सारा खाली कर रहे हो आप लोग? हाँ पूरा खाली कर। ये दंगों की कहानी है कि भाई जो एक रोजगार चलता था ट्रू बाइक्स के नाम से, एक ये शोरूम था जो मल्टीपल ब्रांड थे, यूज वाली बाइकें हुआ करती थी, अब ये लगातार इसको खाली करके जा रहे हैं। इस एरिया में ये सेल सेफ नहीं कर रहे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार जी, अब ये एक बार दिखा दीजिए अंदर जरा, इन सारी स्कूटियों को आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं कैमरा। मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, मेरा दूसरा शोरूम है जो इंदिरापुरम गाजियाबाद में, मैं उधर ले जा रहा हूँ। खाली कर दोगे? लोकेशन ही खाली कर रहा हूँ, जो हमारे लॉस हो गए इन दंगों के चक्कर में उसका तो छोड़ दीजिए। हमारे बंदे के जॉब चले गए, जो हमारे पास जॉब करते थे 8-10 बंदे, वो वापस नहीं आ रहे, काम पे नहीं लौट रहे। अब हम कहाँ से रखेंगे? आप प्रिंस कुमार? यस यस सर। प्रिंस कुमार ये दिखाइए, ये इस शोरूम में ये आपका जो कुछ बाइकें खड़ी हुई हैं, ये शटर तो शायद ऊपर नहीं कर पाओगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ 50 से 60 नई बाइक्स थी, अपाची से लेके R15 तक 1-1 लाख की बाइक थी, 1.5 लाख की, सब जला दी गई उपद्रवियों द्वारा। कैमरामैन ललित, आप क्या देख पा रहे हैं कितनी बाइक और अंदर आपको देखिए कितनी संख्या होगी जो जला दी गई है, कितनी खराब हुई है? 50 से 60 बाइकें जला दी गई है इनका तो। ये एक बार आप ललित द्वारा दिखाइए, और मैं इसे डंडे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कितनी कितनी रात राख यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। ये गाड़ियों का मलबा है जो जली है यहाँ पे? गाड़ियों का मलबा है, बाद बाकी एम्प्लॉय वगैरह तो जान बचा के भाग गए, 30 से 40 एम्प्लॉय थे वो जान बचा के भाग गए, क्योंकि उनके जान पे भी आ सकता। पूरा शोरूम जल गया? पूरा शोरूम 25 से 30 लाख की गाड़ियाँ थी, एक एक गाड़िया की कीमत 25 से 30 लाख थी, सब जला दिया गया। इधर 50 से 60 गाड़ियाँ थी, सब जला तो दिया पूरा गया, तबाह हो चुका है। तबाह हो चुका है। जलाया कैसे गया ये? जलाया गया पेट्रोल लेके, पेट्रोल पम्प लेके आए, माचिस लाके पेट्रोल डब्बे में डाल के जलाया। पूरा पूरा जो आपको मंजर नजर आ होगा, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ बिल्कुल जल के स्वाह हो चुकी हैं, और पूरी तरह से ये सुजुकी का जो शोरूम था, नई गाड़ियों का था, पुरानी गाड़ियों का? नई गाड़ियों का, सुजुकी का ब्रांड न्यू कार्स के सबसे बड़ा एरिया का सबसे बड़ा शोरूम था, उसको जला दिया गया, देन पेट्रोल पंप में आग लगाया। ये कुछ क्या नजर आ रहा है? ये पानी पीने की पानी का बोतल है, वो भी जल चुका है। नहीं नहीं, ये जो सारी राख है इनका, ये जो जला है सारा, यहाँ का फर्नीचर है ऊपर की जो सीलिंग वगैरह थी वो सब जल जल के हम, और सारा मलबा पुलिस द्वारा हटा लिया गया है, नहीं तो बहुत सारे इधर कार सी कार आपको दिखते थे जले जले, जैसे आप न्यू कार के वाइजर वगैरह जले देख सकते हैं आप। अपने आप में बहुत डराने वाली है, क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद लाखों का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन एक बहुत प्राइम लोकेशन पर इस तरह के गाड़ियों के और बाइकों के जो शोरूम थे। प्रिंस ने अपनी कहानी सुनाई, इस सुजुकी मोटर्स के जो गाड़ियों का शोरूम था, इनके जो गार्ड थे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ रोजगार की जो समस्या पैदा होगी, क्योंकि ये लोग अब इस लोकेशन पर अपने शोरूम को शांति स्थापित होने के बाद भी जारी नहीं रखना चाहते। इससे बड़ी कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कम से कम 50 और 100-150 आदमियों का कहीं ना कहीं रोजगार भी इससे प्रभावित होगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।